न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दिल्ली के खजूरी खास में पहले बेटियों से की छेड़छाड़, फिर पिता को भी जबरन पीटा। खजूरी खास में छेड़छाड़ का केस वापस नहीं लेने पर लड़की के पिता पर आरोपी ने पिस्टल की बट से हमला कर दिया। हमले में 50 वर्षीय पीड़ित शख्स की नाक और सिर पर चोट आई है। पुलिस ने उन्हें जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है। पुलिस ने मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार के साथ खजूरी खास में किराए पर रहते हैं। फैमिली में पत्नी और दो बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि 24 जून को दुकान के सामान लेने वो जा रहे थे, तभी गली नंबर 13 के पास रास्ते में आरोपी कुलदीप ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उनकी बेटी का नाम लेकर वह कहने लगा कि आज उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगा और पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जब उसने पिस्टल से निकालकर उसकी बट से उनके सिर पर और नाक पर हमला कर दिया, वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। खजूरी खास में छेड़छाड़ का केस वापस नहीं लेने पर लड़की के पिता पर आरोपी ने पिस्टल की बट से हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 10 जून को उनकी छोटी बेटी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम था, जिसे बड़ी बेटी लेकर जा रही थी। आरोपी कुलदीप ने रास्ता रोककर उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 10 जून को उनकी छोटी बेटी का बोर्ड एग्जाम था, जिसे बड़ी बेटी लेकर जा रही थी। आरोपी कुलदीप ने रास्ता रोक उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 10 जून को उनकी छोटी बेटी का बोर्ड एग्जाम था, जिसे बड़ी बेटी लेकर जा रही थी। आरोपी कुलदीप ने रास्ता रोककर उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने बड़ी बेटी की बीच गली में पिटाई कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप को गिरफ्तार किया था, जो अब उस केस को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित परिवार के साथ खजूरी खास में किराए पर रहते हैं। फैमिली में पत्नी और दो बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि 24 जून को दुकान से सामान ले जा रहे थे। गली नंबर 13 के पास रास्ते में आरोपी कुलदीप ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उनकी बेटी का नाम लेकर कहने लगा कि आज अच्छे से सबक सिखाएगा और पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जब जेब से पिस्टल निकालकर उसकी बट से उनके सिर और नाक पर हमला किया, वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बनी रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।